हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम बनाएंगे हैदराबादी दाल। हैदराबादी दाल खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और इसे हम खट्टी दाल भी कह सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई सब्जी ना हो तो हम इस दाल के साथ भी चावल खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है ये दाल। और ये दाल बनाने के लिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगी, एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही झटपट बन जाती है और बनाना बहुत आसान है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन पर मुझे कमेंट करें। तो यहाँ तुअर की दाल ली है मैंने और इसे 2-3 घंटे ना मैंने भिगो दिया है। आप 1 घंटा भी भिगोएं इनफ है, और आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप भिगो देंगे तो दाल बहुत अच्छे से जल्दी बॉयल हो जाएगी। तो यहाँ हमें इसे बॉयल करना है, तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया है तुअर की दाल को, जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं। तुअर दाल को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है और यहाँ पे मैं इसे कुकर में डालूँगी, ऊपर से डालूँगी साफ पानी। तो इतना देखिए आप पानी डाल दें और फिर हम डालेंगे इसमें कुछ सामग्री। तो मैं यहाँ पे लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ, लहसुन से इस दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर डालें। टमाटर डाल रही हूँ, खट्टी दाल है तो हमें इसे खट्टा बनाना है। और डाल रही हूँ मैं यहाँ पे कड़ी के पत्ते, करी पत्ते डालें, आप हरी मिर्च भी इस टाइम पर काट के डाल दें बीच से, और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल दें आप। ये दाल आपको ज़रूर पसंद आएगी, मेरी गारंटी है, एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। थोड़े हम डालेंगे हल्दी और इसे करेंगे हम अच्छे से मिक्स इस तरीके से। तो इस तरीके से आप पहले इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें, हल्दी और जो भी हमने डाला। थोड़ा मैं अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ यहाँ पे और इसे फिर से मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। तो ये दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप इस दाल को इडली के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत पसंद आएगी आपको। ऊपर से मैं थोड़ा सरसों का तेल मैंने डाल दिया, कोई भी तेल डाल दीजिए ताकि कुकर से ना जो दाल का पानी है वो बहार ना आए। इसे मैंने बंद कर दिया है, 3 सीटी आने तक मैं यहाँ पे दाल को पकाऊंगी। तो आप दाल को पका ले 3 सीटी आने तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने चढ़ा दिया है कुकर आँच पर और यहाँ 3 सीटी लग गया है। तो 3 सीटी के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दे और क्या करें, तुरंत ना खोले, 10-15 मिनट आप ऐसे ही छोड़ दे, फिर कुकर का ढक्कन आप खोले। तो इससे क्या होगा कि दाल स्टीम में भी थोड़ी गल जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने कुकर का ढक्कन खोला, तो अभी मैं देखती हूँ, देखिए दाल एकदम अच्छे से पक गई है। तो भिगोने का यही फ़ायदा होता है कि तुरंत अच्छे से दाल एकदम सॉफ्ट हो जाती है। तो ये मैं घोटनी लूँगी, आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारे इधर इसे घोटनी कहते हैं। तो ये दल घोटनी मैं लूँगी और इसे इस तरीके से अच्छे से दाल को मिक्स कर दूँगी, तो सब चीज़ एक सार हो जाएगी। तो मैंने मिक्स कर दिया, थोड़ा मैं इमली का पल्प डाल रही हूँ यहाँ पे, आप खट्टा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा इमली का पल्प डाला है और इसे फिर से हम करेंगे मिक्स। तो मिक्स हो गई है ये अच्छे से, ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसे एक अच्छा सा तड़का लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे ना धनिया पत्ता डाल रही हूँ, फ्रेश धनिया पत्ता, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो दाल ना गाढ़ी पतली आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वैसे ये दाल बहुत पतली नहीं होती। मैं यहाँ पे थोड़ा गर्म पानी डाल रही हूँ, अभी दाल काफ़ी गाढ़ी है ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी डाल रही हूँ। दाल में आप कभी भी ठंडा पानी ना डालें, गर्म पानी ही डालें, पहले से पानी गर्म करके रख लिया। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, अभी हम इसका एक तड़का रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल, आप जिस भी तेल से कुकिंग करते हो आप वो तेल ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तड़के के लिए मैं देखिए कुछ सामग्री लूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है राई, यहाँ जीरा, सूखा लाल मिर्च, लहसुन और कड़ी पत्ता, सबको हम अच्छे से डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है, राई मतलब सरसों का दाना, मस्टर्ड सीड्स। तो यहाँ करेंगे हम इसे अच्छे से मिक्स, तो अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए लहसुन, तब तक हम तड़के को भूनेंगे। तो ये देखिए मैंने भून लिया है, नमक तो हमने डाला था, मगर अभी जब मैं तड़का लगाऊंगी उसके बाद ना, आप क्या करें, तड़के लगाने के बाद आप नमक चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो तो आप इसी टाइम पे मैनेज कर सकते हैं। तड़का हमने लगा दिया है और इसे ना हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने हरी मिर्च भी डाला था तो आप लाल मिर्च पाउडर स्किप भी कर सकते हैं और चाहे तो आप डाल भी सकते हैं, अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप डालें। इसे हम 2 मिनट तक उबालेंगे। यहाँ पे हमारी हैदराबादी खट्टी दाल रेडी है, पप्पू रेडी है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट सेक्शन पर मुझे कॉमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।